Hello everyone, welcome you all in this live session of Conroe Malaysia Patelin. I am Dr. Neha Verma. तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रो मलेशिया पटेले, ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम। तो आज के सेशन में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जो आपके नी के अराउंड देखने को मिलती है। यूजुअली अगर मैं आपको कॉन्ड्रो मलेशिया पटेले का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँ, सो बेसिकली इट इज अ कंडीशन इन विच द कार्टिलेज ऑन द अंडर सरफेस ऑफ पटेला डिटेरियोरेट्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो आपका कार्टिलेज होता है ऑन द अंडर सरफेस ऑफ पटेला वो क्या करता है, डैमेज होने लगता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको नी के अराउंड पेन फील होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्ड्रो मलेशिया पटेले, या फिर हम कई बार इसको पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। चले अब मैं आपको ये बता दूं, इस कंडीशन का एक और नाम होता है, इसे हम रनर्स नी के नाम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन होता है आपका कॉन्ड्रो मलेशिया पटेले, या हम कह सकते हैं पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम, ये कंडीशन मेनली आपको स्पोर्ट पर्सन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका एक और नाम होता है, इसे हम रनर्स नी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करते हैं ये किन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो यूजुअली आपको ये कंडीशन यंग एडल्ट्स में देखने को ज़्यादा मिलती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको ओल्ड एज में देखने को नहीं मिल सकती है, आपको ओल्ड एज में भी मिल सकती है। बट अगर आप डेटा देखेंगे तो जो यंग एडल्ट होते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो स्पोर्ट प्लेयर होते हैं, उनमें ये कंडीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। चले अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, तो उसमें जो यूजुअली सिम्टम आता है वो आपका नी पेन का आता है। इसमें आपको नी पेन देखने को मिलता है, नी का मूवमेंट करने में आपको दिक्कत होता है, स्क्वैटिंग वगैरह करने में आपको दिक्कत होता है। तो ये कंडीशन है। तो मैं आपको ये कंडीशन बताने से पहले एक बेसिक एनाटमी पर चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि आपको एनाटमी अगर क्लियर होगी तभी आपको कंडीशन डीपली समझ में आएगी। तो अगर हम बात करते हैं हमारे नी जॉइंट की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको नी पेन होता है या आपको घुटने का दर्द होता है, तो आपके माइंड में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, आपको लगता है कि आपके जॉइंट में स्पेस कम हो गया है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है कि नी पेन का केवल एक ही कॉज हो कि आपका स्पेस कम हो गया हो तभी आपको नी पेन हो रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। एक कंडीशन ये भी होता है, ठीक है ना, कॉन्ड्रो मलेशिया पटेले, इस कंडीशन में आपको यूजुअली क्या सिम्टम मिलता है, जब आप मूवमेंट करते हो, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो या उतरते हो, तो कई बार पर्सन ये कंप्लेन करता है कि उसको मूवमेंट करने में किट किट की आवाज़ होती है, ठीक है ना। आपको जब आप जॉइंट का मूवमेंट करते हो तो आपको एक साउंड फील होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको सिम्टम देखने को मिलता है। यूजुअली अगर हमें नहीं पता होता तो हम उस कंडीशन को इग्नोर करते रहते हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो कंडीशन हमारी और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। तो यही कंडीशन होती है आपकी कॉन्ड्रो मलेशिया पटेले। चलें तो इसको आपको अच्छे से समझने के लिए पहले एनाटमी जाननी पड़ेगी। ये नी के अराउंड कंडीशन हो रहे हैं तो आपको नी का एनाटमी पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं हमारे नी जॉइंट की, तो नी जॉइंट आपका बेसिकली पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स जॉइंट होता है। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आपका नी जॉइंट का फॉर्मेशन बेसिकली टू कॉन्डाइलर जॉइंट से होता है एंड वन आपका सैडल जॉइंट होता है। कॉन्डाइलर जॉइंट क्या होता है, आपका पटेलो फीमर, सॉरी, ये जो आपका टिबियो और फीमर के बीच में जो बनता है, टिबिया एंड फीमर के बीच में जो बनता है वो आपका होता है टिबियो फीमोरल जॉइंट, एंड जो आपका पटेला और फीमर बोन के बीच में बनता है वो आपका पटेलो फीमोरल जॉइंट होता है, ठीक है। तो जो आपका फीमर का कॉन्डाइल एंड टिबिया का कॉन्डाइल दोनों मिलके बनाते हैं आपका कॉन्डाइलर जॉइंट, इसी तरह से जो आपका पटेला बोन होती है वो आपकी फीमर के साथ में मिलके बनाती है
पटेलो फीमरल जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम नी जॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका एक बहुत ही कम्प्लेक्स जॉइंट होता है। इसमें आपके कॉन्डाइलर जॉइंट होते हैं दो, मीडियल एंड लैटरल, जिसमें आपका फीमर का कॉन्डाइल एंड टिबिया का कॉन्डाइल है ना, मीडियल फीमर का कॉन्डाइल एंड मीडियल टिबिया का कॉन्डाइल, अगेन आपका लैटरल फीमर का कॉन्डाइल एंड लैटरल टिबिया का कॉन्डाइल, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके आपका पटेलो ये आपका जॉइंट बनाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जो आपकी पटेला होती है वो भी फीमर के साथ में जॉइंट बनाती है। तो इस तरह से जो आपका नी जॉइंट होता है वो आपका एक बहुत ही कम्प्लेक्स जॉइंट होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम बात करते हैं हमारी नी जॉइंट की, तो इसकी जो कैविटी होती है, नी जॉइंट की जो कैविटी होती है वो आपकी मेनिस्कस के थ्रू डिवाइड रहती है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम आपको आगे बताएंगे मेनिस्कस क्या होता है। और चलिए अभी हम देखते हैं फीमर। जैसा कि मैंने आपको बताया, नी जॉइंट के फॉर्मेशन में बेसिकली आपकी थ्री बोन पार्टिसिपेट करती हैं। फीमर प्रॉक्सिमल साइड में होती हैं, टिबिया डिस्टल साइड में होती हैं, और जो पटेला होती है वो आपकी एंटीरियर साइड में होती है। तो आपको नी जॉइंट की एनाटमी जानने के लिए ये फीमर का, टिबिया का और पटेला का एनाटमी जानना भी जरूरी है। तो आइए हम इस पर एक छोटा सा चर्चा करते हैं। आप ये बोन आई होप देख पा रहे हैं, ये आपकी फीमर बोन होती है। आई होप आप इसको देख पा रहे हैं। ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है ना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके डिवीजन की, तो ये आपकी थ्री पार्ट में डिवाइड होती हैं, अपर पार्ट, मिडिल सेफ्ट एंड लोअर पार्ट, या हम इसको लोअर एंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अपर एंड एंड मिडिल सेफ्ट, ये सिलेंड्रिकल पार्ट एंड दिस इज लोअर एंड, ओके। अगर हम बात करते हैं इसके अपर एंड की, तो इसके अपर एंड पे बेसिकली आपको ये हेड देखने को मिलता है, ओके, ये आपको नेक देखने को मिलती है, ओके, एंड ये आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर, ये आपको अपर पार्ट में देखने को मिलते हैं, हेड, नेक एंड टू ट्रोकेंटर। अगर हम इसके सेफ्ट की बात करते हैं, तो इसका जो सेफ्ट होता है वो आपका कॉन्वेक्स होता है एंटीरियरली, ओके। आई होप आप इसमें देख पा रहे हैं, इसका जो सेफ्ट होता है वो एंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है। अगर हम बात करते हैं इसके लोअर एंड की, तो इसके लोअर एंड पे आपको दो कॉन्डाइल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, मीडियल कॉन्डाइल एंड द लेटरल कॉन्डाइल। अगर हम इसके लोअर एंड के पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं, अगर हम इसको पोस्टीरियर साइड से देखने को देखते हैं, तो यहाँ पर एक हमें नोच देखने को मिलता है, जिसे हम इंटरकॉन्डाइलर नोच भी कह सकते हैं, ओके। अगर हम इसके एंटीरियर साइड में देखते हैं लोअर एंड के, तो यहाँ पे हमें एक ग्रूव देखने को मिलता है, ये आप एक डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम पटेलर ग्रूव कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी फीमर बोन है, ये आपकी थाई की बोन होती है और ये आपकी बॉडी में सबसे लंबी बोन होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है, ठीक है। अगर हम इसके डिवीजन की बात करते हैं, तो बेसिकली ये आपका अपर एंड एंड मिडिल सेफ्ट एंड लोअर एंड में ये डिवाइड होती है। अपर एंड में इसका आपका हेड, नेक एंड टू ट्रोकेंटर, ओके। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके मिडिल सेफ्ट की, तो ये एंटीरियरली आपका कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके लोअर एंड की, तो इसका जो लोअर एंड होता है उसमें दो कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, मीडियल एंड लैटरल। इसके पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ एक नोच प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं इंटरकॉन्डाइलर नोच, है ना यहाँ। और अगर हम इसके एंटीरियर साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं पटेलर ग्रूव। यहाँ पे जो पटेला बोन होती है वो मूव करती है। अगर हम इसके हेड की बात करते हैं, फीमर बोन की अगर हम हेड की बात करते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये अपवर्ड, मीडियल एंड फॉरवर्ड, ठीक है ना, ऊपर की तरफ
मीडियल साइड में और आगे की तरफ इसका एनाटॉमिकल प्लेसमेंट होता है। चलिए अब हमारे पास एक बोन और है, टिबिया, ठीक है ना। जो आपकी टिबिया बोन होती है ये देखिए, आई होप आप इसे देख पा रहे हैं। जो आपकी टिबिया बोन होती है ये बेसिकली आपकी रेडियस बोन के होमोलोगस होती है। जैसा आपका अपर लिम में रेडियस बोन होता है उसी तरह से आपके लोअर लिम में यानी कि आपके लेग में टिबिया प्रेजेंट होता है। ये भी एक लॉन्ग बोन है। अगर हम इसके डिवीजन की बात करें तो इसमें भी अपर एंड होता है, मिडिल सेफ्ट होता है एंड लोअर एंड होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए अपर एंड को जानना जरूरी है। अपर एंड में आपके दो कॉन्डाइल होते हैं, ठीक है ना, मीडियल एंड लैटरल, आपके दो कॉन्डाइल होते हैं अपर एंड में, ठीक है। इसके बाद में आपका इंटर ट्यूबरकल एरिया होता है, ठीक है ना, इंटर कॉन्डाइलर एरिया ये होता है, और आपका टिबियल ट्यूब्रोसिटी होती है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी टिबिया बोन होती है। एक आपकी बोन और होती है पटेला बोन, ठीक है। ये पटेला बोन क्या, अगर हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएं तो ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन होती है। इसका फॉर्मेशन आपका क्वाड्रिसेप्स मसल के टेंडन में होता है, ठीक है। हमारे पास एक 3D मॉडल है, आप इस मॉडल को देख सकते हैं। ये आपका बेसिकली नी जॉइंट है, ये आपकी फीमर बोन है, ओके, ये आपकी टिबिया है, ये आपकी फिबुला है, और ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एक छोटी सी बोन, आई होप आप देख पा रहे हैं, ये बोन होती है आपकी पटेला बोन, ओके। ये देखिए, ये यहाँ पे आपका फीमर में ग्रूव होगा, ठीक है ना, लोअर एंड पे पटेलर ग्रूव होगा, और उसमें ये जो पटेला होती है वो मूव करती है, और ये क्या होता है, क्वाड्रिसेप्स के टेंडन में इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन होती है पटेला। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो पटेला बोन होती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो ये होता है कि ये एनाटॉमिकल पुली की तरह काम करती है। अब ये एनाटॉमिकल पुली क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी एनाटॉमिकल पुली क्या होती है। आप सभी लोगों ने आई थिंक अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुएं से पानी तो निकाला होगा, रोप से, रस्सी से, ठीक है। तो आप देखिए, आप क्या करते हो, उसमें जब आप एक रॉड लगाते हो तो उस पर आप एक क्या करते हो, आयरन का एक रिंग शेप का लगाते हो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसमें एक ग्रूव होता है, उस पर आप अपना रोप लगाते हो, तो जब आप उसे पुल करते हो, खींचते हो, तो जो आपका बकेट होता है वो आसानी से बाहर आता है, ठीक है। आप इमेज करिए कि आप उसमें वो पुली नहीं लगा रहे हो, वो जो आयरन का मैंने बताया ना एक ग्रूव वाला व्हील टाइप का जो स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसे पुली कहते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर आप उसे नहीं लगाएंगे तो इज इट पॉसिबल कि आप उस पानी को खींच पाएंगे, है ना, आप उस बकेट को निकाल पाएंगे। अगर आपने निकाल भी लिया तो आपका एफर्ट बहुत लगेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप उसमें क्या करते हो, पुली लगा देते हो, तो पुली से क्या होता है, जो आपका एफर्ट होता है वो कम हो जाता है, आप रोप को खींचते हो और बकेट आपका आसानी से बाहर आता है, ठीक है। तो इसी तरह से गॉड ने क्या किया हुआ है, हमारी जो नी जॉइंट है उसमें पटेला बोन को दिया हुआ है, ये आपका एनाटॉमिकल पुली की तरह से काम करता है। आप देखिए, जो आपका नी जॉइंट होता है, अगर मैं बात करती हूँ नी जॉइंट की, तो बेसिकली इसके दो मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। जो फ्लेक्शन का मूवमेंट होता है उसे हम अनलॉकिंग कहते हैं, और जो एक्सटेंशन का मूवमेंट होता है उसे हम लॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अभी आप देखिए, ये आपका क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है, यहाँ आपकी पटेला बोन प्रेजेंट है, ओके। अभी जब हम इस तरह से मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से जब हम मूवमेंट करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो ये क्या करता है, जो आपका पटेला बोन होता है वो एनाटॉमिकल पुली की तरह काम करता है। इससे क्या होता है, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल का एक्शन होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे क्वाड्रिसेप्स मसल क्या होता है,
तो पटेला होने की वजह से जो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ होती है वो आपकी 30-35% बढ़ जाती है। यानी कि अगर पटेला नहीं होगी तो आपकी क्वाड्रिसेप्स का जो एक्शन होगा उसे बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। पटेला क्या करती है, उस एफर्ट को कम कर देती है। ठीक है, कम मेहनत में आपका ज्यादा काम होता है, तो इसलिए ये क्या करती है, क्वाड्रिसेप्स के एक्शन को फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करने का भी काम करती है। सो पटेला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चले अब हम बात करते हैं कुछ आपकी मसल्स की। कुछ मसल्स होती हैं जो आपके नी जॉइंट के अराउंड प्रेजेंट होती हैं और वो क्या करती हैं, आपके नी जॉइंट के जो मूवमेंट को एक बैलेंस में बना के रखती हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या मसल होती है जिन्हें हमें आगे इस कंडीशन में जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें उन मसल्स का एक्शन नहीं पता होगा तो आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का कंडीशन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसल्स होती हैं वो आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स होती हैं। ठीक है, जिनको हम बेसिकली क्वाड्रिसेप्स मसल के नाम से भी जान सकते हैं। तो आइए हम एक चर्चा इन पर कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में बेसिकली आपकी सार्टोरियस एंड क्वाड्रिसेप्स मसल प्रेजेंट होती है। सार्टोरियस मसल जो होती है उसका ओरिजिन बेसिकली आपका ASIS से होता है। ASIS, ये आप हिप बोन देख रहे हैं, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज ASIS। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सार्टोरियस मसल की, तो सार्टोरियस मसल का जो ओरिजिन बेसिकली आपका ASIS से होता है और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, आपका टिबिया पर। ठीक है, ये क्या काम कराती है, एबडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ योर हिप कराती है। ठीक है, अब अगर हम दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मसल है वो है आपका क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स मसल आपका बॉडी का ओनली ऐसा मसल होता है जो नी का एक्सटेंशन कराता है। नी का एक्सटेंशन कराने वाली अगर कोई आपसे मसल पूछता है तो वो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल होती है। तो अगर हम क्वाड्रिसेप्स में आपको बताना चाहें तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो कि क्वाड्रिसेप्स आपका फोर हेड वाला मसल होता है, यानी कि चार मसल्स जो होती हैं वो चारों का टेंडन इंसर्शन पॉइंट पे मर्ज कर जाता है। ओके, और बनाता है एक कॉमन टेंडन जिसे हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन बोलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है उसमें आपकी फोर मसल्स आती है। कौन कौन सी होती है, ये आपका फर्स्ट रेक्टस फीमोरिस होता है, नेक्स्ट आपका वेस्टस लेटरलिस होता है, वेस्टस मीडियलिस होता है, वेस्टस इंटरमीडियस होता है। ओके, तो आइए हम एक एक करके इनके एक्शन, इनका ओरिजिन, इंसर्शन और ये कैसे अफेक्ट करती हैं आपकी नी के मूवमेंट को, उन पर हम एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स की, तो क्वाड्रिसेप्स में जो आपकी फर्स्ट मसल होती है वो होती है आपकी रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस का ओरिजिन बेसिकली आपका कहाँ से होता है, ASIS से होता है। नेक्स्ट आपका एसिटाबुलम के ऊपर जो मार्जिन होता है, अपर मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम, ठीक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है रेक्टस फीमोरिस मसल का। एसिटाबुलम कहाँ पे होता है, मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहती हूँ, ये आपकी हिप बोन होती है। ठीक है, हिप बोन में ये जो आप देख रहे हैं ना एक डिप्रेशन टाइप का स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं एसिटाबुलम, है ना। इसमें क्या होता है, जो आपका हेड ऑफ फीमर होता है वो अटैच होता है और इस तरह से ये फॉर्मेशन करता है आपका हिप जॉइंट का, है ना। तो अगर हम बात करते हैं आपकी सार्टोरियस की, तो सार्टोरियस का ओरिजिन आपका ASIS से, वो सॉरी, अगर हम रेक्टस फीमोरस की बात करते हैं तो इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका ASIS से होता है और कहाँ से होता है, आपका अपर मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम। ओके, अगर हम बात करते हैं रेक्टस फीमोरिस के इंसर्शन की, तो इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है, आपका बेस ऑफ पटेला पे होता है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको रेड कलर से जो मसल दिखाई हुई है, ये आप देखिए इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, आपका बेस ऑफ पटेला पे होता है। ओके, ओरिजिन कहाँ से होता है, आपका ASIS से होता है एंड आपका अपर मार्जिन ऑफ एसिटाबुलम से इसका ओरिजिन होता है। दूसरी मसल होती है आपकी वेस्टस लेटरलिस एंड वेस्टस मीडियलिस, ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन होता है आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर। ओके,
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लीनिया एस्पिरा। वहां से वेस्टस लेटरलिस एंड वेस्टस मीडियलिस का आप ये देखिए, ये वेस्टस मीडियलिस एंड वेस्टस लेटरलिस, इन दोनों का ओरिजिन होता है। इंसर्शन कहाँ होता है? लेटरलिस है तो इसका इंसर्शन होता है आपका लेटरल साइड ऑफ बेस ऑफ पटेला पे, और जो आपकी मीडियलिस होती है उसका इंसर्शन होता है आपका मीडियल साइड ऑफ बेस ऑफ पटेला पे। ओके, नेक्स्ट मसल आती है आपकी वेस्टस इंटरमीडियस। वेस्टस इंटरमीडियस का ओरिजिन कहाँ से होता है? वो आपका एंटीरियर सरफेस ऑफ फीमर से होता है, और उसका इंसर्शन आपका कहाँ से होता है? उसका इंसर्शन भी आपका बेस ऑफ पटेला पे होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल है वो कहीं ना कहीं आपकी जाके एक कॉमन टेंडन बना रही है, जिनको हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन कहते हैं, और सभी कहीं ना कहीं जाके आपकी बेस ऑफ पटेला पे जाके इंसर्ट हो रही है। ठीक है, अब हमारे लिए काम की बात ये है कि इनका एक्शन क्या होता है। तो इसमें ये जो क्वाड्रिसेप्स है होल सोल मिला के ये नी का एक्सटेंशन ही कराती है, लेकिन इसमें जो आपकी ये वेस्टस मीडियलिस जो मसल है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो ये होता है कि जब आप नी का एक्सटेंशन करते हो, जब आप अनलॉकिंग करते हो, तो ये क्या करती है? ये आपके लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पटेला को रोक के रखती है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगी, जो आपकी वेस्टस मीडियलिस मसल होती है, ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर में, ये क्या करती है? जब आप अनलॉकिंग ऑफ नी करते हो, जो मैंने अभी आपको बताया था, जब आप एक्सटेंशन ऑफ नी करते हो तो ये क्या करती है? ये आपके पटेला बोन का लेटरल डिस्प्लेसमेंट रोक के रखती है, बैलेंस बना के रखती है। कैसे? और इसका एक एक्शन ये होता है, जब आप एक्सटेंशन करते हो तो ये आपका जो फीमर बोन होता है उसका मीडियल रोटेशन भी करती है एंड 30 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन की रेंज पर। तो इससे ये होता है जो आपका पटेला बोन होता है वो पटेलर ग्रूव में ही मूव करता है, इधर उधर भागता नहीं है। ओके, तो ये होता है आपका वेस्टस मीडियलिस का रोल। अब जो यहाँ पे मैं आपको कंडीशन बताने वाली हूँ, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में यूजुअली ये होता है, कई बार ये जो आपकी वेस्टस लेटरल मीडियलिस मसल होती है, या आप ऐसे कह सकते हो जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है, और उसमें भी स्पेशल आपकी वेस्टस मीडियलिस, कई बार उसमें इंफ्लेमेशन हो जाता है, कई बार वो वीक हो जाती है, उसकी वजह से वो क्या करती है? अपना प्रॉपर एक्शन कर नहीं पाती है। तो अगर आपकी वेस्टस मीडियलिस प्रॉपर एक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पटेला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मीडियलिस उसको सपोर्ट करेगी नहीं, है ना, और लेटरलिस क्या करेगी? वो अपनी तरफ खींचेगी। तो इस तरह से क्या होता है, जो पटेला होती है वो अपनी ग्रूव से बाहर मूवमेंट करने लगती है। तो जब वो पटेलर ग्रूव से बाहर मूवमेंट करने लगती है तो क्या होता है? वो रबिंग होती है। तो रबिंग बोन पे होने की वजह से क्या होता है? जो कार्टिलेज होता है, आप इस डायग्राम में देखिए, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिखाया हुआ है, ठीक है ना, तो वो कार्टिलेज क्या करता है? जब रब करता है तो रब करने की वजह से वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। तो उसी डैमेज होने की वजह से क्या होता है? आपको पेन होता है। ओके, आई होप आपको ये मसल्स समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगर हम बात करते हैं हमारे लिगामेंट्स की, तो जो आपका नी जॉइंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स जॉइंट होता है। तो इसमें इन टोटल आपके 11 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देख लीजिए आप, 11 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा प्रेजेंट होता है? कैप्सुलर लिगामेंट, जो आपकी नी जॉइंट को पूरी तरह से चारों तरफ से कवर करके रखता है। और कौन सा लिगामेंट होता है? आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, ACL एंड PCL होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। और कौन सा होता है? आपके दो पॉपलीटियल लिगामेंट होते हैं, ऑब्लिक पॉपलीटियल एंड आर्कुएट पॉपलीटियल, ठीक है, दो आपके पॉपलीटियल लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है? आपका मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं, मीडियल मेनिस्कस प्रेजेंट होता है एंड लेटरल मेनिस्कस प्रेजेंट होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं लिगामेंटम पटेले, ठीक है। ये लिगामेंटम पटेले का जो इंसर्शन होता है या इसका जो अटैचमेंट होता है वो प्रॉक्सिमल साइड में आपका होता है पटेला से, और डिस्टल साइड में होता है आपका टिबिया से। तो देख लीजिए,
वो भी कहीं ना कहीं आपकी पटेला बोन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करने का काम करेगा। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आती है, क्यू एंगल। क्यू एंगल क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। तो देखिए ये आप ASIS से पटेला एंड देन पटेला से टिबियल ट्यूब्रोस्टी, ASIS से पटेला देन पटेला से टिबियल ट्यूब्रोस्टी, यहाँ आप एक अगर लाइन बनाएंगे ठीक है ना, तो इसके बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम कहते हैं क्यू एंगल। ओके, तो ये जो क्यू एंगल होता है ये फीमेल में यूजुअली आपका 17 degree 17, और अगर हम बात करते हैं मेल की तो मेल में यूजुअली आपका 13 से 14 degree देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी में क्या होता है ये एंगल आपका ज्यादा हो जाता है। तो इस एंगल के ज्यादा होने की वजह से भी क्या होता है, कई बार ये जो आपका कोऑर्डिनेशन था ना, अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रिसेप्स मीडियलिस वेस्टस लेटरलिस, ये क्या कर रही है कोऑर्डिनेशन बना के रख रही है, वो उसको मीडियल साइड नहीं जाने देगी, वो लेटरल नहीं जाने देगी। लेकिन अभी क्या हुआ, अगर आपका ये एंगल बढ़ गया ठीक है ना, तो क्या होता है ये कोऑर्डिनेशन आपका हो जाता है खराब। ओके, फिर वही होता है जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हो, लॉकिंग अनलॉकिंग करते हो, तो फिर पटेला अपने ग्रूव से बाहर की तरफ मूव करती है, और फिर अगेन वही होता है रबिंग होती है, देन आपको पेन होता है एंड कार्टिलेज जो होता है वो आपका डैमेज होता है। ओके, तो ये सारे कंडीशन आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं एक और छोटा सा एक मजल है VMO। VMO क्या होता है, कई बार ये होता है VMO मसल का जो वीकनेस होता है उसकी वजह से भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकता है, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला। VMO क्या होता है, यूजुअली कई स्कॉलर इसको ऐसा बोलते हैं कि ये मसल स्टैंड नहीं करता है, लेकिन अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये क्वाड्रिसेप्स के एक्शन को फैसिलिटेट करता है ठीक है ना, क्वाड्रिसेप्स के एक्शन को ये सपोर्ट करता है VMO। ओके, इसको हम कह सकते हैं वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिक मसल। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं ये जो VMO होती है वो आपकी वेस्टस मीडियलिस का ही एक पार्ट होती है, पर कुछ का ऐसा मानना है, यूजुअली फिजियोथेरेपिस्ट उसको ये मानते हैं कि उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो क्वाड्रिसेप्स के एक्शन को फैसिलिटेट करता है। चलिए तो आई होप अब आपको पूरी एनाटॉमी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अब मैं जब कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले का कंडीशन बताऊंगी तो आपको आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले। तो व्हाट इज कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले एक्चुअली, सो वी कैन से दैट इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ ब्लिस्टरिंग सिस्टिक चेंजेस इन पटेलर कार्टिलेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो आपका पटेलर कार्टिलेज होता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। ओके, एंड वी कैन से इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद वेस्टस मीडियलिस टेंडिनाइटिस, है ना, ये यूजुअली आपकी वेस्टस मीडियलिस के टेंडिनाइटिस के साथ में ये देखने को मिलती है। क्यों, सिंपल सी बात है, वही वेस्टस मीडियलिस जो मसल थी वो क्या कर रही थी, उसको रोक रही थी, उसको स्टेबलाइज करके, मतलब स्टेबलाइज करने का काम कर रही थी पटेला को। अभी क्या हुआ, उसमें टेंडिनाइटिस हो गया, तो टेंडिनाइटिस होने की वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर नहीं पाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पटेला है वो ग्रुप से बाहर चला जाएगा, है ना, अगेन उसका रबिंग होगा। चलिए अब हम इसमें अगर ये देखते हैं, ये जो आपका कंडीशन होता है कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का कंडीशन होता है, तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी फैक्टर होते हैं वो फैक्टर कहीं ना कहीं, जैसे मैं अभी आपको इसके फैक्टर बताऊंगी कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला हो सकता है, तो ये सारे फैक्टर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगी, लेकिन सबका लॉजिक एक ही है, वो कहीं ना कहीं यही करेंगे कि पटेला को पटेलर ग्रुप से आउट मूव करने के लिए मजबूर कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, है ना, जिससे पटेला अपनी ग्रुप में मूव नहीं कर पाएगा और फाइनली वो क्या करेगा, रब करेगा और उसका कार्टिलेज होगा डैमेज। चलिए अब हम देखते हैं
इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को कॉज कर सकते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, या हम कह सकते हैं पटेलो फीमोरल पेन। क्या क्या ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो इसको कॉज करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर तो आपको समझ ही आ गया होगा, वीकनेस ऑफ वेस्टस मीडियलिस, या हम कह सकते हैं वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप्स, है ना? आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, क्यों? क्योंकि जो वेस्टस मीडियलिस होती है वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को रोक रही थी एक्सटेंशन के टाइम पे, लेकिन अभी क्या हुआ, वो वीक हो गई तो रोक ही नहीं पाएगी। अच्छा, दूसरा उसका फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर यही हो सकता है आपका क्यू एंगल, है ना? किसी का क्यू एंगल बहुत ज्यादा हो गया तो जो उसकी वेस्टस मसल होती है वो क्या करती है, उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपका खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। ओके, और क्या कंडीशन हो सकता है? कई बार आपका फ्लैट फुट का कंडीशन हो सकता है, ठीक है? फ्लैट फुट की कंडीशन में भी क्या होता है, जो आपका बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो आपका बेकार हो जाता है। ओके, और क्या कंडीशन हो सकता है आपका? टाइट आईटी बैंड हो सकता है, ठीक है? और क्या कंडीशन हो सकता है? आप हाई हील्स पहनते हो, है ना? तो हाई हील्स यूजुअली फीमेल्स में ऐसा होता है, जब वो हाई हील्स पहनती हैं तो उनका जो बैलेंस होता है, बायोमैकेनिक्स होती है, वो गड़बड़ हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो पटेला होता है वो ग्रुप के बाहर मूव करने का चांस रहता है। ओके, चलिए, और क्या कंडीशन हो सकता है? कई बार आपको डायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है? कई बार आर्थराइटिस का कंडीशन हो सकता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और क्या कंडीशन हो सकता है आपको? ओवर यूज इंजरी, है ना? जैसे कई बार जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रन कर रहे हैं, ठीक है? तो आप देखिए, रन जब आप करते हो, जब आप दौड़ लगाते हो, तो भी आपका नी का फ्लेक्सन एक्सटेंशन लॉकिंग अनलॉकिंग हो रही है, ठीक है? तो लॉकिंग अनलॉकिंग जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो आपकी मसल है वो ओवर यूज हो रही है। ओके, तो अगर मसल का ओवर यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसमें इन्फ्लेमेशन होने के चांस होंगे, वो वीक हो जाएगी, और वीक होने की वजह से अगेन आपका क्या होगा, ये वो पटेला जो है वो आपकी ग्रुप से बाहर जाएगी। चलिए, ये मैंने आपको इसके फैक्टर बता दिए, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। क्यू एंगल हाई है, या फिर उसका हाई हील पहन रहा है, फ्लैट फुट है, ज्यादा स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है? या फिर उसका जो आईटी बैंड है वो टाइट है, वीक उसका क्वाड्रिसेप्स है, तो ये सारे फैक्टर हो गए। इसके रिस्क फैक्टर क्या है, क्या किन लोगों को ये ज्यादा देखने को मिलती है? तो यस, ये आपके यंग एडल्ट्स को ज्यादा देखने को मिलती है जो आपके स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड एज में नहीं हो सकती, ओल्ड एज में भी हो सकती है, उसका अलग रीजन हो सकता है, जैसे आपका आर्थराइटिस हो गया या कुछ ट्रामा हो गया, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में आपको ओल्ड एज में भी देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो अगर किसी को ये हुआ है, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला हुआ है, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट थिंग, उसको जनरलाइज पेन होगा नी में, ठीक है? आपका एंटीरियर साइड ऑफ नी पे उसको जनरलाइज पेन होगा। तो नी पेन का केवल एक ही कॉज नहीं है कि भाई स्पेस कम हो गया, जॉइंट स्पेस कम हो गया तो आपको नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें आपको इस कंडीशन में, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला के कंडीशन में भी आपको नी पेन देखने को मिलता है। और क्या आपको देखने को मिल सकता है? आपको स्वेलिन मिल सकती है, ठीक है ना? साइनोवियल फ्लूइड की वजह से आपको स्वेलिन देखने को मिल सकती है। और क्या देखने को मिल सकता है? आपको टेंडरनेस देखने को मिल सकती है कई बार, है ना? और क्या आपको देखने को मिल सकता है? अगर आप रेयर कंडीशन में देखोगे तो आपको स्पर फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। ओके, और क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि वो जो पेशेंट होगा वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वॉक नहीं कर पाएगा, रन नहीं कर पाएगा अच्छे से। और एक इम्पॉर्टेंट, जब वो मूव करेगा तो उसको कट कट की आवाज सुनाई देगी। कई बार आप देखिए, पेशेंट आएगा, बोलेगा डॉक्टर साहब जब हम चलते हैं तो हमारे इसमें घुटने में कट कट का आवाज होता है ना? तो आपको लगेगा पता नहीं क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन यही है कि भाई जो पटेला है वो अपने ग्रुप में मूव नहीं कर रहा, और अगर आपने उसको इग्नोर किया तो लेटर कंडीशन में इट मे बी सीरियस। तो ये बेसिकली इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए। ओके, अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई इसका डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, है ना? तो फर्स्ट उसका सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस है, आप उसका हिस्ट्री लीजिए,
आप अगर वो किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा कंडीशन ओवर यूज इंजरी भी हो सकती है, आपको उसको टेंडरनेस देखने को मिल सकती है, नी मूवमेंट करने में उसको पेन होगा, है ना, आप उसका स्क्वेटिंग करने में उसको पेन हो सकता है, ये तो आपका सिम्टम के बेस पे हो गया। अगर आप बात करते हो इसके रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग की, तो यस आप उसमें एक्सरे करा सकते हो। एक्सरे क्यों करा सकते हो, क्योंकि आप उसको आर्थराइटिस का कंडीशन है उससे आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक्सरे करा के देख सकते हो, आप एमआरआई करा सकते हो उसको बियर एंड टियर उसका जानने के लिए, ठीक है, आप आर्थोस्कोपी कर सकते हो, ठीक है। आर्थोस्कोपी में हम क्या करते हैं, ये यूजुअली एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम एंडोस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, जॉइंट कैविटी को देख सकते हैं, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो कितना डिटेरियोरेशन हो रहा है। तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग हो गया, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ग्रेड्स की, तो इसके क्या क्या ग्रेड होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला की, तो बेसिकली इसमें हमें 4 ग्रेड देखने को मिल सकते हैं। जो ग्रेड 1 होता है, तो ग्रेड 1 में आपको क्या देखने को मिलता है, ओनली द सॉफ्टिंग ऑफ द कार्टिलेज। ग्रेड 1 में आपको कार्टिलेज केवल सॉफ्ट होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रेड 2 की, तो ग्रेड 2 में क्या होता है, जो डिटेरियोरेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ग्रेड 3 की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रेड 3 में क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है वो थिन हो जाता है और उसमें एक ज्यादा आपको डिटेरियोरेशन देखने को मिलता है। पर अगर हम बात करते हैं ग्रेड 4 की, तो ग्रेड 4 में क्या होता है, आपका जो बोन होती है वो बोन रब करती है, ठीक है ना, पूरी तरह से डिटेरियोरेशन हो जाता है, बोन रब करती है, पेशेंट नी बैंड नहीं कर पाएगा, स्क्वेटिंग नहीं कर पाएगा, उसको सीवियर पेन होगा, तो ये आपके ग्रेड्स हो गए। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो जैसा कि मैं आपको हर किसी कंडीशन में बताती हूँ, उसके हमारे पास 3 अप्रोचेस होते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, उसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। तो अगर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आप उसको ड्रग थेरेपी की तरफ लेके जा सकते हो, या फिर आप उसको फिजियोथेरेपी यानी कि भौतिक चिकित्सा की तरफ लेके जा सकते हो। अगर हम बात करते हैं ड्रग थेरेपी की, तो बेसिकली इसमें आप एनसीड दे सकते हो, ठीक है ना, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आप दे सकते हो। और क्या दे सकते हो आप उसको, आप उसको पीओपी कास्ट दे सकते हो, ठीक है ना, रेस्ट करने के लिए, उस पेशेंट को आप रेस्ट करने के लिए पीओपी कास्ट भी दे सकते हो। उसका जो भी एक्टिविटीज है, जो करने पे उसको मूवमेंट हो रहा है, स्पोर्ट एक्टिविटी कुछ ऐसी करने से जिससे उसे पेन हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन को आप अवॉइड करने को बोल सकते हो। और क्या करा सकते हो आप उसको, आइसोमेट्रिक ऑफ क्वाड्रिसेप्स करा सकते हो। आइसोमेट्रिक ऑफ क्वाड्रिसेप्स क्यों, क्योंकि मैंने आपको देखिए अभी बताया, जो क्वाड्रिसेप्स होती है उसमें जो वेस्टस लेटरलिस एंड मीडियलिस होती है उनका बहुत ज्यादा रोल होता है ना। अभी क्या हुआ होगा, अगर उसको उसका पटेला मूव कर रहा है आउट ऑफ ग्रूव, है ना, तो क्वाड्रिसेप्स तो वीक हुआ ही होगा, तो आप क्वाड्रिसेप्स का एक्सरसाइज करा सकते हो, आइसोमेट्रिक करा सकते हो। ये तो हो गया इसका कंजर्वेटिव अप्रोच, मेडिकल थेरेपी या ड्रग थेरेपी। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके सर्जिकल अप्रोच की, तो इसके सर्जिकल अप्रोच में आप क्या कर सकते हो, तो देखिए अगर फर्स्ट थिंग ये आती है कि जो आपका सर्जरी है, सर्जरी की तरफ आपको कब जाना है, तो सर्जरी की तरफ आपको तब जाना है जब आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा। आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उसका ले रहे हो और फिर भी अगर आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो आप सर्जिकल अप्रोच की तरफ जा सकते हो। इसकी सर्जरी में आप क्या क्या करते हो, इसकी सर्जरी में आप जॉइंट लवाज कर किया जाता है, ठीक है ना, आर्थोस्कोप की हेल्प से जॉइंट लवाज किया जाता है। और अगर फ्रैगमेंट आपके 1.3 सेंटीमीटर से बड़े हैं, तो उस कंडीशन में आप पटेलेक्टमी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सर्जिकल अप्रोच हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फिजियोथेरेपी अप्रोच की, तो या हम कह सकते हैं इसके भौतिक चिकित्सा की। तो इसमें हम क्या क्या भौतिक चिकित्सा कर सकते हैं, पहला आप इसमें थर्मोथेरेपी दे सकते हो टू रिड्यूस पेन, और क्या कर सकते हो आप उसको क्रायोथेरेपी या आइस थेरेपी दे सकते हो। क्यों दे सकते हो, टू रिड्यूस पेन एंड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ओके।
और आप क्या कर सकते हो, उसको क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करा सकते हो, आप उसको SLR करा सकते हो, स्ट्रेट लेग रेजिंग करा सकते हो फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स वीक हुई है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं हुआ है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो, आप उसको PRE दे सकते हो, है ना, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस, वो आप उसको करा सकते हो। और आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको सू इंसर्ट बता सकते हो, है ना। सू इंसर्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया कि अगर किसी को फ्लैट फुट का कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में भी उसका बैलेंस बिगड़ने का चांस हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है, ठीक है ना। तो आप वो भी एक बार देख सकते हो, अगर उसको ऐसा कुछ कंडीशन है तो आप उसको शू इंसर्ट बता सकते हो, है ना, उसका, ताकि आर्च जो मेंटेन रहे। और क्या कर सकते हो, आप उसको मतलब हाई एक्सरसाइज को कम कर सकते हो, कोई भी ऐसा कंडीशन जिससे उसको बार बार इंजरी हो रहा है ना, कोई भी ऐसा मूवमेंट उसे आप अवॉइड करने के लिए बोल सकते हो। तो ये बेसिकली इसका 3 ट्रीटमेंट अप्रोच था, थेरेप्यूटिक अप्रोच, मेडिकल अप्रोच एंड सर्जिकल अप्रोच। अगर हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, तो आप क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हो, तो फर्स्ट इसमें यही है, प्रिवेंशन में देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, रनर्स नी, या हम कह सकते हैं ये ओवर यूज इंजरी है ना। तो ओवर यूज इंजरी का मतलब, आप देखिए स्पोर्ट इंजरी आपको इसीलिए होती है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, डेली एक्सरसाइज नहीं करते हो, फिर क्या होता है, आप सडन उस पर बहुत सारा लोड डाल देते हो, ठीक है ना, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ले तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, मसल, टेंडन, लिगामेंट, है ना, वो कहीं ना कहीं पुल हो जाते हैं, उनमें इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से अ लॉट ऑफ सिम्टम्स अपियर होते हैं। तो प्रॉपर ये है कि आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, ठीक है ना, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए, ये आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्ट ट्रॉमा है ना, उसकी वजह से भी आप देखिए कितनी सारी लिगामेंट्स और मसल इधर उधर प्रेजेंट हैं, जो पटेला को स्टेबलाइज करके रख रहे हैं, नी जॉइंट को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट ट्रोमा होगा तो उसमें से किसी ना किसी के टूटने के चांसेस हैं, और अगर टूटेगा तो अगेन उसको वही होगा, है ना, वही बैलेंस बिगड़ेगा, तो पटेला आउट ऑफ ग्रुप करेगा मूवमेंट, तो आपको फिर से पेन होगा। तो आप कोई भी ऐसा गेम प्ले कर रहे हो तो आपको नी पैड आप पहन सकते हो, ठीक है, जैसे सपोज दैट आप स्पोर्ट प्लेयर हो तो आपको नी पैड पहनना चाहिए, आपको एक्टिव, आपको रोज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, है ना, ये सब आप करते रहिए। तो ये प्रिवेंशन है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें देखिए दो मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी वेस्टस मीडियलिस मसल एंड VMO, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपसे कोई पूछे आप क्या क्या बेसिक एक्सरसाइजेस उसे बताओगे, अगर किसी को कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला का कंडीशन है, तो ये दो एक्सरसाइजेस जो मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाई हुई है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाला, इसमें क्या है, ये आपका VMO स्ट्रेंथनिंग के लिए है, यानी कि वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिक मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका नॉर्मल लेग है, ठीक है, उसको इस तरह से क्रॉस करना है, और जो आपका अफेक्टेड है, ठीक है ना, उससे क्या करना है, ये थेरा बैंड है, एक इलास्टिक बैंड है, ओके, रेजिस्टेंस बैंड भी आप इसको कह सकते हो, ये थोड़ा टाइट है, आप ऐसे खींचोगे जैसे इलास्टिक बैंड होता है ना, रबर की तरह, है ना, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ऐसे क्रॉस करना है पैर को, एक हाथ से पकड़ना है इलास्टिक बैंड को और दूसरे इससे सोल से आपको फुट से इसको ऐसे करके प्रेस करना है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ये VMO स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज होती है। ये वाली जो आप एक्सरसाइज देख रहे हो, ये आपकी वेस्टस मीडियलिस की स्ट्रेचिंग के लिए है, ओके। इसमें क्या है, आपको स्ट्रेट लेग रेस कर रहे हैं, एकदम सीधा पैर उठाना है और फिर इसको बाहर की तरफ मोड़ना है, ठीक है ना, इस तरह से करना है, एकदम सीधा पैर उठा के बाहर की तरफ मोड़ना है। तो ये दो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कॉन्ड्रो मलेशिया पटेला का कंडीशन, और स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुईगा, ये जो आपका पटेलो फीमोरल पेन होता है वो इसी को ही बोला जाता है, इसमें जो सिम्टम आता है उसी को हम बोलते हैं पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल rgcsk.edu को सब्सक्राइब करिए, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।